फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है सरिता टिप्स एंड ब्लॉग, लेकिन फ्रेंड्स आज तक मैंने आपसे अपने कोई भी टिप्स एंड ट्रिक नहीं शेयर किए हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपसे अपने रोज़मर्रा वाले कामों में जो भी टिप्स एंड ट्रिक यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे घंटों वाले काम मिनटों में करती हूँ, या कभी कभी घर में काम करते हुए कुछ काम बन जाते हैं जल्दी से और कुछ बिगड़ भी जाते हैं, उनको मैं अकेले ही कर लेती हूँ, जिनसे समय भी बचता है और पैसे तो बचते ही हैं। तो अगर आपको एक स्मार्ट बीवी बनना है, तारीफ पाना है, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक हैं जो आने ही चाहिए। तो आज मैं अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपसे शेयर करूंगी। ज़्यादातर लोग अपने टिप्स एंड ट्रिक शेयर नहीं करते हैं किसी से, क्योंकि वो सोचते हैं हम क्यों इनसे शेयर करें, वो भी स्मार्ट हो जाएंगे, इनकी भी तारीफें होने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के मैं ब्लॉग में अपने टिप्स एंड ट्रिक आइडियाज़ आपसे शेयर करूंगी। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप्स है मसाले के पैकेट जो हम बाज़ार से लाते हैं, सूखा मसाला उसको इस्तेमाल करते हैं और खुला हुआ पैकेट हम ऐसे ही फ्रीज में लगा देते हैं, तो इनमें से मसाला गिरता रहता है और फ्रीज भी गंदा हो जाता है और खुले पैकेट में नमी चला जाता है, जिससे मसाले गीले हो जाते हैं। गीले मसाले हैं तो जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर पैकेट का मसाला आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना है, इन सारे पैकेट को रखना है पॉलीथीन बैग के अंदर, जितने आ सकते हैं उतने रखेंगे हम एक साथ। इस पॉलीथीन बैग में हम उतने डिब्बे रखेंगे जितने एक बार में आएंगे और आसानी से हम इनको निकाल सकते हैं, पॉलीथीन बैग फटे नहीं। इस तरह से रख देते हैं, इनसे मसाले भी बाहर नहीं आएंगे और नमी भी नहीं इसके अंदर पहुंचेगा। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं। तो जितने डिब्बे आने थे उतने हमने रख दिए हैं, अब हम इसको बंद कर देते हैं। इस तरीके से बंद कर देना है। इस तरह से हम जब फ्रीज में डिब्बे लगाते हैं तो इसमें से मसाले बाहर नहीं आते हैं, नमी भी नहीं जाता है और फ्रीज भी साफ़ रहता है। ज़्यादातर लोग पैकेट वाले मसाले को फ्रीज में ही रखते हैं ताकि जल्दी ख़राब ना हो। तो उसके लिए दूसरा टिप्स है, आप छोटे और पतले डिब्बे में मसाले को भर लीजिए, उसके बाद फ्रीज में लगा दीजिए। फ्रीज का स्टोरेज फुल ना हो, एक साथ कई सारे डिब्बे आ जाएं, उसके लिए छोटे और पतले डिब्बे में मसाले भर करके फ्रीज में लगा दीजिए। मसाला जल्दी ख़राब नहीं होता है, फ्रीज में थोड़ी सी जगह रहती है, फ्रीज गंदा भी नहीं होता है। इस तरीके से भी मसाले को स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी टिप्स है हमारी, इस तरह से जो लोबिया, बोड़ा, बीन्स होता है, सेम फली सब्जी होता है, इसको हम बाहर छोड़ देते हैं, तब तो यह बहुत जल्दी सूख जाता है, और अगर फ्रीज में भी रखते हैं तो भी यह सूख जाता है। दो दिन बाद ऐसा लगेगा यह बहुत लूज हो गया है, चाकू से जल्दी कटता नहीं है और पकाने में भी बहुत समय लगता है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें पानी में डुबो करके रखना है इस तरीके से। अगर आप इसे बाहर रखते हैं तो फिर इसका पानी आप एक दिन बाद जरूर चेंज कर दीजिए, जैसे आपने सुबह इसमें पानी डाला है तो शाम को इसका पानी बदल दीजिए। और अगर आप इसे फ्रीज में भी रखते हैं इस तरह से पानी में डुबो करके, तो फिर एक दिन बाद जरूर इसका पानी चेंज कर दें और नया पानी इसमें डाल दें। उसके बाद आप इसे पानी से निकाल करके जब सब्जी बनाएंगे, काटने पर ही ऐसा लगता है हमने इसको बिल्कुल ताज़ा इस्तेमाल किया है। सब्जी भी जल्दी पकती है और बहुत आसानी से चाकू से कटता है, बिल्कुल ताज़ा बना रहता है, कभी भी लूज नहीं होता है ना ही सूखता है। हमारी तीसरी टिप्स है इस तरीके की बोतल को लेकर के, ये जो स्टील की बोतल होती हैं गर्म वाली, इसमें हम चाय भी रखते हैं, दूध भी रखते हैं, पानी भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं रखते हैं। इसको हम बंद करके ऐसे ही रख देते हैं और जब इस्तेमाल करने के लिए खोलते हैं तो इनमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, छोटी इलायची लेना है, थोड़ी आप बड़ी इलायची ले सकते हैं अगर आपके पास है, इलायची को थोड़ा सा तोड़ लेना है ताकि उसका मुँह खुल जाए, और इसके अंदर डाल देना है, 3 से 4 इलायची डालेंगे और इस तरह से इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। छोटी इलायची में बहुत तेज़ खुशबू होती है, इसको आप 2 महीने बाद भी खोलेंगे तो इसमें से गंदी स्मेल नहीं आएगी, अब से इसमें सिर्फ अच्छी वाली ही खुशबू आएगी। आपके पास जो भी इस तरह के थर्मस हैं, पानी वाले, चाय वाले, उसमें आप सभी में इलायची डाल करके बंद करके रखिए, आज के बाद आपके थर्मस से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी, हमेशा खुशबू आएगी। आप इन्हें चाहे जितने दिन के लिए बंद करके रखें, तो इस तरीके से आपके पास जितने भी थर्मस हैं उसमें आप इलायची डाल करके रख सकते हैं।
हमारी अगली टिप्स है, कुकर में जब हम बिना पानी वाली सब्जियां बनाते हैं तो जल्दी स्टीम नहीं बनता है। जब पानी डालते हैं तो बहुत जल्दी से स्टीम बन जाता है और कभी कभी कुकर का जो ढक्कन है उसकी रबड़ भी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, घिस जाती है थोड़ी सी, उसके लिए भी स्टीम नहीं बनता है। तो उसके लिए क्या करना है, रबड़ को हमें रखना है 1 मिनट के लिए फ्रीजर में। जो पुराना रबड़ होता है थोड़ा सा लूज हो जाता है, जब हम इसको फ्रीजर में रखते हैं 2 मिनट के लिए तो फिर यह टाइट हो जाता है। उसके बाद ढक्कन में लगाते हैं तो बढ़िया प्रेशर बनता है। और दूसरा टिप्स है, हम ढक्कन का जो ये रबड़ है इसको निकालेंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे। ये छोटी छोटी परेशानियाँ अक्सर किचन में होती रहती हैं तो इसी तरीके से हम अपना काम चला लेते हैं। ये जो रबड़ वाली खाली जगह है इसमें पानी भर जाता है, उसके बाद हम इसमें रबड़ लगाते हैं। इसमें जो हम पानी डालते हैं गर्म पानी नहीं डालना है, ठंडा पानी डालना है, इससे रबड़ टाइट हो जाती है और जिस जगह पर रबड़ होती है उसमें भी थोड़ा सा ठंडा पानी भर जाता है। इस तरह से पानी को हमें हटाना नहीं है, ढक्कन के ऊपर हमें थोड़ा सा पानी रखना है। तो फिर से हम इसके ऊपर पानी डाल देते हैं और ऐसे ही बिना हिलाए ढक्कन को हम ले जाते हैं और कुकर के ऊपर बंद कर देते हैं। इस तरीके से बहुत जल्दी कुकर में स्टीम बनता है। इस तरीके से जो कुकर का पुराना घिसा हुआ रबड़ है वह भी काम करता है और जल्दी स्टीम बनता है। मेरा अगला टिप्स है लौकी को लेकर के। कभी कभी लौकी थोड़ा बड़े साइज़ की आती है तो उसको हम आधा इस्तेमाल करते हैं और आधा ऐसे ही रख देते हैं, तो कटा हुआ लौकी बहुत जल्दी सूखता है और इसमें जो पानी निकलता है तो इसको हम ऐसे ही फ्रीज में लगा देते हैं तो फ्रीज हमारी गंदी हो जाती है और हमारा ये काम भी ज़्यादा हो जाता है, फ्रीज साफ़ करने का काम बढ़ जाता है। तो लौकी हमारी सूखे नहीं और फ्रीज हमारा गंदा ना हो, उसके लिए हमको क्या करना है, एक पॉलीथीन बैग लेना है, उसमें कटा हुआ लौकी डाल देना है। इस तरीके से लौकी सूखता भी नहीं है और इसके अंदर जो येलो पानी निकलता है तो फ्रीज भी नहीं गंदा होता है, हमारे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। और अगर आप लौकी फ्रीज में नहीं रखते हैं, इसको बाहर रखना चाहते हैं, तो आप इसे पेपर में भी लपेट करके रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज में पेपर लगा करके नहीं रखना है क्योंकि फ्रीज में पेपर गल जाएगा, पॉलीथीन बैग सही रहता है फ्रीज के अंदर। हमारा अगला टिप्स है गेहूं के आटे को लेकर के। जब हम ज़्यादा मात्रा में गेहूं का आटा स्टोर करके रखते हैं बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में, तो कीड़े लगने का बहुत डर रहता है, चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना है, तेज़पत्ता लेना है और उसमें लौंग को लगाना है। जिस भी बर्तन में आटे को स्टोर करके रखेंगे उसमें इस तरीके से लौंग लगा हुआ पत्ता डालेंगे। अगर बर्तन बड़ा है, आटा ज़्यादा है, तो थोड़े ज़्यादा पत्ते और लौंग लेने हैं। अगर छोटा डिब्बा है तो कम से ही काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहले तली में नीचे डालना है, उसके बाद आटे को इसमें रखना है। आधे से ज़्यादा हम आटा इसमें डालेंगे। इस तरीके से आटे को हमने डाल दिया है। अब हम फिर से दूसरी बार इसमें बीच में भी 1-2 पत्ते डाल देते हैं इस तरीके से लौंग लगाकर। तो यहाँ पर हमने 3 पत्ते डाल दिए हैं क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका बर्तन बड़ा है, आटा ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा पत्ते और लौंग डालिए, ऊपर से थोड़ा सा आटा और डाल देते हैं। इस तरीके से आटे को भर देते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। इस तरीके से आप आटा रखेंगे तो इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे और चींटियां नहीं आएंगी। हमारी अगली टिप से लहसुन प्याज का आसानी से छिलका उतारना। सूखा वाला जो छिलका होता है घर में इधर उधर बहुत जल्दी उड़कर फैल जाता है, तो कूड़ा बहुत ज़्यादा लगने लगता है। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं एक ही टिप से। 2 मिनट पानी में भिगोया है और बिना चाकू की सहायता से इसका छिलका उतर जाता है बहुत ही आसानी से। आपको ज़्यादा मात्रा में छीलना है तो इस तरीके से छीलिए, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और आपको जितना इस्तेमाल करना है रेसिपी के लिए उतना ही भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और इस पानी को हमें ऐसे ही फेंकना नहीं है, यह पानी बहुत ही फायदेमंद होता है पेड़ पौधों के लिए। तो इसे पानी को हम डाल देते हैं इस तरह से गमले में ताकि इसके सारे फायदे हमको मिले। सारा पानी पौधे में डाल देना है। आप चाहें तो छिलका निकाल सकते हैं। हमारी अगली टिप से नींबू का या जो छिलका जूस निकालने के बाद अक्सर सभी लोग फेंक देते हैं, तो इसको अब से हमें फेंकना नहीं है, इसका बहुत अच्छा हमें इस्तेमाल करना है। उसके लिए हम एक कंटेनर लेंगे और छिलकों को डालेंगे उसमें और डालेंगे इसमें गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद इसको हम बंद करके रख देते हैं 6-7 घंटे के लिए। इसको आप फ्रीज में भी रख सकते हैं 2 दिन के लिए, उसके बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पानी का हमें इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताते हैं।
किचन में हम तरह तरह की सब्जियां छीलते हैं जिससे हमारे हाथ काले हो जाते हैं और लहसुन प्याज की जो स्मेल होती है छीलते हैं जब ज़्यादा तो वह भी जल्दी नहीं जाती है। जब हम इस पानी से हाथ को रगड़कर धो लेते हैं तो हाथ साफ़ हो जाते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस पानी को हम फ्रीज में 2 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और दूसरा यूज इसका यह है कि हम इस पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। मुँह से जो गंदी स्मेल आती है तो इस पानी से हम दिन में 2 बार अगर कुल्ला करते हैं तो मुँह से बहुत अच्छी स्मेल आती है। जो गंदी बदबू होती है दांतों की वह भी चली जाती है। इस तरीके से नींबू के छिलके के बहुत सारे फायदे हैं, इसको फेंकना नहीं है, इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के ये सारे टिप्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।